हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को ही। और नवरात्र का सेशन चल रहा है तो हैप्पी नवरात्र ऑल ऑफ यू। और गाइज, हमारे अक्षय कुमार एक बार और रिटर्न आ गए, यानी कि बॉलीवुड में सबसे फास्टेस्ट मूवी बनाने वाला एक इंसान वह है अक्षय कुमार। इसने इस साल में 3 मूवियां निकाली और अब एक और मूवी का इंतजार। वाओ। और राम सेतु का ट्रेलर देखने के बाद मेरे को बहुत अजीब रिएक्शन तो लोगों का भी था यार, कि क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है और क्या क्या चीजें इसमें शो करी गई है यार। एक डायलॉग के साथ पूरा ट्रेलर दिखा दिया यार। पहले एक पोस्ट आया था, उसके ऊपर इतने सारे मेम्स बन गए कि दुनिया भर के मेम्स थे उसके ऊपर, कि यार जब तुम्हें मशाल चाहिए तो टॉर्च की क्या जरूरत है। हो तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। देखो गाइस, पिछले साल दिवाली के सेशन पे बॉलीवुड के यानी कि हमारे सिनेमास में शोर मचा हुआ था। शोर किस चीज का? अक्षय कुमार की मूवी का सूर्यवंशी करके शोर मच रखा था पूरा, कि यार बॉलीवुड इज बैक। लेकिन जो इस साल अक्षय कुमार के साथ हुआ, नॉट बैड यार। अच्छी बल्ली फैमिली मूवी बनाने वाला इंसान के साथ खत्म कर दिया यार। मतलब ऐसा स्पॉइलर किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि इस साल 3 मूवियां निकाली इन्होंने। सबसे पहले बच्चन पांडे फ्लॉप, उसके बाद निकाली इन्होंने पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल फ्लॉप, क्योंकि उसका तो कोई उसके बाद उसकी तो कोई बात ही हुई रिलीजिंग के बाद। थर्ड जो कि रक्षाबंधन, यार मेरे को खुद पर्सनली इतनी अच्छी लगी मूवी, फीलिंग और इमोशंस के साथ फैमिली मूवी थी यार। आप कभी भी जाके देख सकते हो, छोटी मोटा लव फैक्ट के साथ इतनी प्यारी फील के साथ मूवी पिट गई। और अब आने वाली ये मूवी राम सेतु, यार भरोसा नहीं है। हाँ, उसके उससे पहले एक कठपुतली आई थी, वो डायरेक्ट ही हॉटस्टार पे अपलोड करी गई थी। इसका सेफ पॉइंट था, क्योंकि यार अगर ये भी सिनेमा में आ जाती तो पिट जाती यार। लेकिन सबसे फास्टेस्ट मूवी बनाने वाला इंसान है ये। देखो गाइस, आप सबको पता ही होगा कि राम सेतु एक ऐसा ब्रिज है जो राम और सीता के प्रेम का प्रतीक है। हालांकि बड़े बड़े जब इस कहानी को सुनते हैं तो हर कोई शर्मा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और तो और, ये खाली एक राम और सीता का प्रतीक नहीं है, ये एक बेटे का प्रतीक है जिन्होंने 14 साल वनवास काटा। एक हनुमान जी का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने अपने सच्चा धर्म निभाया राम जी के लिए। एक भाई का प्रतीक है जिसने 14 साल अपने भाई के साथ काटे। और तो और, प्रेम का प्रतीक, क्योंकि इस ब्रिज को बनाने के बाद लंका जो कि पानी के अंदर है। और तो और, ये ब्रिज को आज तक साइंटिस्ट साबित नहीं कर पाए कि ये ह्यूमन मेड है। देखो, राम भगवान का कल्चर हमारे दिल रोम रोम में बसा ही हुआ है, क्योंकि यार हम सब इनको बचपन से ही कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ का पार्ट बनाते आ रहे, एक एग्जाम्पलरी बनाते आ रहे। और हालांकि आज भी यानी कि मॉडर्न जमाने में भी और पुराने जमाने में भी इन सब का कनेक्शन बहुत ही बड़ा है, ये आप सब भी जानते हैं। चलो बात करते हैं मूवी के ट्रेलर की। मूवी के ट्रेलर में सबसे पहले अक्षय कुमार का एक डायलॉग आता है, राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। अब इस डायलॉग के बाद सारा ही सारा एक्शन चल रहा है यार। यार हाँ, आप ट्रेलर से देख सकते हो कि ये इस ब्रिज को बचाने के लिए, यानी कि एडम ब्रिज को ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये राम सेतु है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए उनके पास ओनली 3 डेज है। और इसकी मिस्ट्री को क्रॉस करने के लिए वो कितनी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं वो सिर्फ इस मूवी पे डिपेंड करता है। क्योंकि यार आप कितना कुछ इसके बारे में सर्च कर रहे हो और कितना इंटरेस्टिंग इस पार्ट को बना सकते हो वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। हालांकि आज के टाइम में कितने लोगों को नॉलेज नहीं है, अक्षय कुमार एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अच्छे और नॉलेजेबल टॉपिक्स को ही उठाता है। क्योंकि अभी रक्षाबंधन देख लो या फिर पृथ्वीराज चौहान देख लो, फैमिली कल मूवी है यार, आप फैमिली के साथ देखने जा सकते हो, ऐसी कोई स्टोरी होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ सिखाने के लिए दे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। और मूवी भी रिलीज दिवाली के बाद हो रही है ना यार, तो दिवाली के अगले दिन ये मूवी रिलीज है। और आप सबको क्या लगता है कि आप देखने जाओगे? क्योंकि दिवाली का सेशन होगा, मे बी शायद 50% जनता तो बिजी ही होगी। आई एम ऑल्सो बिजी यार, बट फिर भी मैं जाऊंगा और देख के आऊंगा। बाकी हाल ही में लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक के हिसाब से अगर मूवी नहीं चली तो भाई 4थी मूवी आ जाएगी लिस्ट में जो कि पिट जाएगी अक्षय कुमार की। सो गाइज, आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो जाके ट्रेलर देखिए, और अगर ट्रेलर देख लिया है तो कैसा लगा ट्रेलर आप मुझे बताइए। क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, बट कहीं ना कहीं मुझे डर है कि ये मूवी खत्म ना हो जाए लास्ट मूवीज की तरह, आई डोंट नो। और 4थी मूवी है थिएटर्स में और 5वीं मूवी है साल की, तो रियली वेटिंग कि कैसा क्या चीज उसका रिजल्ट निकलता है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और भूले मत और मूवीज करें।